हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है इस पावर पैट कोर्स में जिसका नाम है कॉन्कर इंडियन इकोनॉमी विथ मी सो आज के इस पहले सेशन में हम कुछ बेसिक चीजों पे डिस्कस करेंगे तो so, चलिए शुरू करते हैं तो so, दोस्तों जैसे आप इन स्लाइड्स में देख पा रहे हो जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं और यूपीएससी प्रलिम्स आप सबको पता है कि यूपीएससी प्रलिम्स में इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी को लेकर टू पूछे जाते हैं अगर हम पिछले फाइव टू सिक्स ईयर्स का अगर हम ट्रेंड देखें स्पेसिफिकली सो देर आर फिफ्टीन टू सिक्स क्वेश्चन ऑन इकोनॉमी सेक्शन और सबसे पहले हमें यह समझना है कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ये फोकस हमारा होना चाहिए प्रिपरेशन करते समय पढ़ाई करते समय हमारा सिलेबस ये इंडियन इकोनॉमी नहीं है सिर्फ इंडियन इकोनॉमी यह हमारा सिलेबस नहीं है सिर्फ इकोनॉमिक्स ये हमारा सिलेबस नहीं है सिर्फ करंट इकोनॉमिक इवेंट्स ये हमारा सिलेबस नहीं है हमें फोकस करना है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट करते समय हमें थोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा थोड़ा इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स में क्या डेवलपमेंट चल रहा है करंट इकोनॉमिक अफेयर्स इन्हें पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट को भी पढ़ना पड़ेगा ओके सो डे टू डे प्रैक्टिस के लिए या फिर इन वीडियो सेशंस में हम इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी ऐसे ही हम इसे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे लेकिन हमारा फोकस ये फिक्स होना चाहिए दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रिलिम्स जो आने वाली यूपीएससी प्रिलिम्स है उसको मदद नजर रखते हुए अगर आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट की प्रिपरेशन करनी है सो so, कुछ बेसिक स्टेप्स है जो आज मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहली स्टेप होगी अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस जो प्रिलिम्स का सिलेबस है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे पी वाई क्यू उसको देखेंगे तो हर टॉपिक पर सिलेबस के हर टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए हम सिलेबस को अच्छे तरह से समझेंगे सिलेबस के जो सब टॉपिक्स है सब सब टॉपिक्स है सिलेबस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है इन्हें हमें सम, समझना पड़ेगा सिलेबस का जो स्कोप है वो समझना पड़ेगा ताकि हमें पता चलेगा कि आने वाले कुछ महीनों में हमें इकोनॉमिक्स कहाँ तक पढ़ना है इकोनॉमिक्स uh, का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इकोनॉमिक का एंडिंग पॉइंट क्या है यह हमें पता होना चाहिए जनरल स्टडीज के बारे में एक ऐसी धारणा है कि जनरल स्टडीज हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड जनरल स्टडीज हैज़ नो एंडिंग पॉइंट कहाँ शुरू करना है कहाँ खत्म करना है ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है आ, अर्थ का जो सरफेस है उसके नीचे और आसमान से ऊपर जो भी जनरल नॉलेज है जो भी जनरल नॉलेज था और जो भी जनरल नॉलेज रहेगा वो पूरी चीजें जनरल स्टडीज में कवर होती है ऐसा कहा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों सिलेबस के स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट्स है सिलेबस के स्पेसिफिक एंडिंग पॉइंट्स है और सिलेबस का एक डिफाइंड एक स्कोप है सिलेबस की बॉर्डर्स है इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है अगर आप सिलेबस की बॉर्डर्स को समझ लोगे स्कोप को समझ लोगे तो आपका प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगा सो so, हमारा फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस सेकेंड स्टेप अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इस प्रकार हम स्टडी करेंगे कि लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है किन एरियाज़ पे फोकस किया जा रहा है किन टॉपिक्स पे फोकस किया जा रहा है किन सब टॉपिक्स पे फोकस किया जा रहा है किन कीवर्ड्स पे फोकस किया जा रहा है कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं कौन से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं इन सारी चीजों को हम समझेंगे इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में और हमारा पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो इसी एनालिसिस पे बेस्ड होगा और जो हमारा प्रिपरेशन होगा इस अंडरस्टैंडिंग को साथ में लेकर हम हमारा प्रिपरेशन करेंगे जब आपको ट्रेंड एनालिसिस पता चल जाएगा तब तो आप जो अच्छे से आपका जो प्रिपरेशन है वो प्लान आउट कर सकते हो आप हर टॉपिक को न्याय दे सकते हो जस्टिस दे सकते हो और जब एग्जाम में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो नेक्स्ट हमारी स्टेप होगी कमांड ओवर बेसिक्स जो बेसिक कंसेप्ट है बेसिक कीवर्ड्स है उनपे हमें कमांड बनानी है जो सिलेबस में कीवर्ड्स दिए गए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन इज अ गेम ऑफ की वर्ड्स मैं हमेशा मेरे ऑफलाइन क्लासेस में भी बताता हूँ मेरे ऑनलाइन क्लासेस में भी बताता हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन इज गेम ऑफ कीवर्ड्स अगर आपने कीवर्ड्स को समझ लिया अगर आपने कीवर्ड्स को डीप में समझ लिया उसके जो इम्प्लीकेशन है उसके जो मीनिंग्स है उसके जो लिंकेजेस है वो आपको समझ में आ गए तो आपका प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो कीवर्ड बेस्ड आते हैं सो so, यहाँ मैं आपको तीन मंत्र देना चाहूंगा कि सबसे पहला होगा अंडरस्टैंडिंग पहले कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड कीजिएप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए फिर नेक्स्ट स्टेप में जो इंटरलिंकेजेस है जो अलग अलग कीवर्ड्स में लिंकेजेस होते हैं इंटरलिंकेजेस होते हैं दो कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक कंसेप्ट दूसरे पे डिपेंड होता है ऐसे इंटरलिंकेजेस समझना बहुत जरूरी है जब आप इंटरलिंकेजेस समझोगे तभी आपका जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा और थर्ड जो एस्पेक्ट है दैट इज एप्लीकेशन आप पहले दो स्टेजेस में किस प्रकार से कीवर्ड्स को समझ रहे हो किस प्रकार से कीवर्ड्स या कंसेप्ट को समझ रहे हो उनके लिंकेजेस समझ रहे हो उसके बाद इंपॉर्टेंट आएगा उसका एप्लीकेशन जो इकोनॉमिक कंसेप्ट आप समझ रहे हो उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है उनका इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी में एप्लीकेशन क्या है अगर आप रेपो रेट के बारे में पढ़ रहे हो तो रेपो रेट एक्चुअली कैसे वर्क करता है आरबीआई एक्चुअली रेपो रेट को कैसे फिक्स करता है और रेपो रेट बढ़ने से या रेपो रेट कम होने से इफेक्ट इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा ये एप्लीकेशन आपको पढ़ना है और उसके साथ साथ इस नॉलेज का आप आपके पीवाई या फिर जब आप एग्जाम सॉल्व करोगे जब आप एम सॉल्व करोगे तो एम सॉल्व करते समय आप, आपका नॉलेज कैसे अप्लाई करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तो इन तीन स्टेजेस से आपको गुजरना है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग द इंटरलिंकेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन एंड यूजिंग देम इन सॉल्विंग द दूस सो कमांड ओवर बेसिक्स के साथ साथ मैंने अगला भी पॉइंट आपको समझा दिया दैट इज कमांड ओवर की वर्ड्स बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि यूपीएस इज अ गेम ऑफ की वर्ड नेक्स्ट प्रोसेस हमारी रहेगी डिवेलपिंग थॉट प्रोसेस यूपीएससी प्रोब्लम्स का प्रिपरेशन करते समय आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी आपके पास स्टिपुलेटेड टाइम होता है टू आवर्स में आपको हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं और हंड्रेड क्वेश्चंस के को पढ़कर उनको समझकर आंसर डिराइव कर कर और जो आंसर शीट है उसमें आपको बबल करना पड़ता है सो so, अगर हम पर क्वेश्चन टाइम अवेलेबिलिटी देखेंगे तो वो बहुत कम आती है So, ऐसे समय में आपकी एक स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे क्वेश्चन की डिमांड को कैसे समझोगे जो चार ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी इनमें आप कैसे लिंकेजेस लगाओगे इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप कैसे टिक मार्क करोगे इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस होती है और इस थॉट प्रोसेस को आपको डेवलप करना पड़ेगा अब ये थॉट प्रोसेस क्या है आपको कैसे बिल्ड करनी है कैसे डेवलप करनी है यह मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा क्योंकि अगर ये थॉट प्रोसेस आपकी डेवलप हो गई तब जाके एम सॉल्व करते समय आपको बहुत आसानी होगी और आप मैक्सिमम आंसर्स टिक मार्क कर पाओगे करेक्ट कर पाओगे अदरवाइज ऐसा लगता है जब किसी एक कॉमन कैंडिडेट का प्रिपरेशन होता है एक साल पूरा प्रिपरेशन करने के बाद भी मोर देन फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन के बारे में कन्फ्यूजन होता है एस्पायरेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा है ये तो मैंने कहीं ना कहीं रीड किया है बट इसका आंसर मैं डिराइव नहीं कर सकता सो so आंसर क्यों नहीं डिराइव कर सकते क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस मेच्योर नहीं है आपने थाट प्रोसेस को बिल्ड नहीं किया है सो so क्या ये थॉट प्रोसेस है इसे कैसे बिल्ड करना है आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको समझाऊंगा और थॉट प्रोसेस बिल्ड करते करते आपको करनी है मोर एंड मोर प्रैक्टिस एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको क्या करना है आपको डेली रिविजन करनी है डेली वीकली मंथली रिविजन आपको करनी है उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस आप करोगे जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी प्रैक्टिस करने के बाद उसका जो एनालिसिस है वो आपको करना पड़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए कितने करेक्ट आए कितने अनकरेक्ट इनकरेक्ट आए और क्यों इनकरेक्ट आए फिर उसमें से आपकी लिस्ट निकलेगी जो आपके जो अच्छे टॉपिक्स है स्कोरिंग टॉपिक्स है वो कौन से है जो आपके वीक एरियाज़ है वीक एस्पेक्ट है वो कौन से है उन्हें आप आइडेंटिफाई करोगे और इस एनालिसिस के बाद आप फिर से रिविजन करोगे सो दिस विल बी दिचुअल आपका ये डेली रिचुअल होगा रिविजन प्रैक्टिस एनालिसिस एंड अगेन रिविजन आप जब ये मल्टीपल टाइम्स करोगे हर कंसेप्ट के बारे में हर एरिया के बारे में करोगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैचोर होता जाएगा आपका प्रिपरेशन मैच्योर होता जाएगा सो की टेक अवेज क्या है आज के इस लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस ट्रेंड एनालिस एंड पी वायूज कमांड ओवर बेसिक कमांड ओवर की राइट थॉट प्रोसेस एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस और जो बोनस टिप थी रिविजन रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सो आई होप की ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारी यूपीएससी प्रिलिम्स जो आने वाली है उसको लेकर जो हमारी प्रिपरेशन की फर्स्ट स्टेप है विथ रिस्पेक्ट टू तो इकोनॉमिक्स आपको क्लियर है और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन डाउट सेक्शन अगर आप ये वीडियो स्वप्न स्टडीज ऐप में देख रहे हैं तो आप वह भी डायरेक्टली आप डाउट्स पूछ सकते हो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप में डाउट पूछ सकते हो मैं उसका आंसर दूंगा अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप वह भी कमेंट कर सकते हो आपके जो सुझाव है वो हमें बता सकते हो ये पूरा सेशन आप और किस प्रकार से इंटरेक्टिव चाहते हो इसमें क्या और पॉजिटिव डेवलपमेंट होने चाहिए ये भी हमें सजेस्ट कर सकते हो और अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये जो कंकरिंग इकोनॉमी विथ मी ये जो कोर्स है ये स्वप्न स्टडीज़ पे अब लाइव हो चुका है अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उस लिंक पे जाइए और इस कोर्स का जो फ्री कंटेंट है एक्सेस कीजिए और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर इस कोर्स में एनरोल कीजिए सो तो आपसे मैं आज्ञा लेता हूँ मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए शुक्रिया क्या आपको इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है क्या न्यूज पेपर पढ़ते समय इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स आपको समझ नहीं आते क्या इकोनॉमी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स और स्टैटिस्टिक्स में आप कंफ्यूज हो जाते हो अगर इन तीनों सवालों के जवाब हाँ है तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें आपके इस पूरे कंफ्यूजन को मैं दूर करने आया हूं और लेकर आया हूं एक पावर पैक्ट कोर्स जिसका नाम है कौन कर इकोनॉमी विथ मी इन जस्ट फोर्टी फाइव डेज अब इस कोर्स में आखिर क्या करेंगे यूपीएससी प्रोबिम्स के लिए इकोनॉमी का सिलेबस एकदम डिटेल में कवर करेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक हर कंसेप्ट एकदम आसान भाषा में समझेंगे सिलेबस में एम्बेडेड सारे इंपॉर्टेंट की को कवर करेंगे यूपीएससी प्रोबिम्स के करंट पैटर्न अनुसार सारे टॉपिक्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे सिलेबस रिलेटेड करंट डेवलपमेंट भी डिटेल में कवर करेंगे इस कोर्स में आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर्स कर सकते हैं इसके साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिनको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं बस यही नहीं और सुनिए और इन सब के साथ पाइए इकोनॉमी से रिलेटेड ढेर सारे मॉक टेस्ट जिनको सॉल्व करने के बाद आपका स्कोर ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा इस पूरे कोर्स में आपके प्रिपरेशन का मल्टीलेयर डेवलपमेंट होगा फर्स्ट लेयर में आपके सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होगा सेकंड लेयर में हम सिलेबस के जो इंटरलिंकेजेस है उनको समझने की कोशिश करेंगे तीसरे और सबसे आखिरी लेकिन का एप्लीकेशन क्या है जिसका फायदा आपको एम सी क्यू बेस पैटर्न में होगा सो so, जल्दी ऐसी इस कोर्स के फ्री कंटेंट को एक्सेस करे और इस कोर्स में एनरोल करे और जाते जाते एक सबसे अच्छी गुड न्यूज पूरे कोर्स में आप पा सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट सपना यूपीएससी चैनल के किसी भी वीडियो पे कॉन्कर इकोनॉमी एक कमेंट कीजिए और पाइए ट्वेंटी परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट सो चलिए मिलते हैं कोर्स में